मध्य प्रदेश के दतिया में अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि 2 सितंबर 2023 को शिक्षक पंचायत आयोजित कर अतिथि शिक्षकों को अनेक सौगातें दी गई थी, जिनके आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणानुसार किसी भी कार्यरत अतिथि शिक्षक को 20 सत्र में न हटाने और प्रति माह मानदेय भुगतान के लिए कहा था, फिर भी हजारों अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती प्रमोशन ट्रांसफर से बाहर कर दिया गया है। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को विगत 6 माह से मानदेय नहीं दिया गया है। समाज शास्त्र विषय के बच्चे हैं, संस्कृत हम वहाँ पढ़ाने के लिए मैडम पिछले 7 महीने से पढ़ा रहे हैं। अब प्राचार्य द्वारा कहा जाता है कि आपका विषय नहीं है, जबकि बच्चे उसी सब्जेक्ट के हैं। प्राचार्य ने अपने भतीजे को भी शिक्षा वहाँ रखा है। मैं कार्रवाई चाहूँगा आप लोगों से कि आप वहाँ जाके ठहरा प्रस्ताव भी हमारे पास है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि आप वहाँ जाएँ और प्राचार्य की दक्षता को देखें और वहाँ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था है, काफ़ी सारी कमियाँ हायर सेकेंडरी स्कूल झालू में आप जाके चाहें। बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2 सितंबर को घोषणा की थी, महापंचायत लाइटी उसमें घोषणा की थी। हमारे लोग 15-20 साल से हम लोग की सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही कम वेतन में, तो उन्होंने हम लोगों के लिए लाभ देने के लिए कुछ घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं का आदेश अभी तक नहीं किया गया है और ना ही हमारी वेतन मिल रही है। उन्होंने 20 सत्र में वेतन नहीं मिली, 20 सत्र में न हटाने के लिए कब से नहीं मिली वेतन, 6 माह से नहीं मिली। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं हम लोग और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं स्कूलों में हम लोग, लेकिन इसके बाद भी आदेश हुआ था कि समायोजन करेंगे, पढ़ाई को दी जाएंगे और कई 20 सत्र में नहीं हटाए जाएंगे, हटा दिया गया है। तो प्रदेश स्तर का ही समायोजन किया जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन बिंदुओं पर जो है आज ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने, आश्वासन दिया है घोषणाओं पर या जो शासन द्वारा आपको जो दिया है उस पर हम जल्दी से जल्दी जो है मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।